नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जून गुरुवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम तय करने का फॉर्मूला जारी कर दिया है। निर्धारित फॉर्मूला पिछले दो वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर बनाया गया है। शिक्षा विभाग 45 दिनों के अंदर परिणाम को जारी करेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नए फॉर्मूले को बताते हुए कहा कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पिछले दो वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर ही प्रमोट करने की बात कही है। समिति की ओर से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पिछले दो वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए 8वीं की बोर्ड परीक्षा 2019 का अंकभार 45% रहेगा। कक्षा 9 में अंतिम प्राप्तांकों का अंकभार 25% रहेगा। वहीं कक्षा 10 का अंकभार 10% रहेगा। 10वीं कक्षा के अंकभार का निर्धारण विद्यालय विषय समिति करेगी। यह समिति में संस्था प्रधान, क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर को शामिल किया जाएगा। वहीं विद्यालयों में कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं गृह तथा चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। वहीं प्राइवेट विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधार के लिए आवेदन किया है, उन्हें बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब अवसर दिया जाएगा। समिति की ओर से तय अंक योजना के पूरक आए विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी। आंध्र प्रदेश में एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के साथ साथ उसकी वजह हैरान कर देने वाली है। शुरुआती जांच में मुताबिक एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है कि उनको कोरोना वायरस होने का डर था, इसलिए उन्होंने जान दे दी। करनूल शहर के वडगेरी में यह घटना हुई है जहां परिवार के चारों सदस्यों ने जहर खाकर जान दे दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्यों की पहचान 42 वर्षीय प्रताप, उसके 36 वर्षीय हेमलता, उसके 17 वर्षीय पुत्र जयंत और 14 वर्षीय पुत्री ऋषिता के रूप में हुई है। पति पत्नी के साथ दोनों बच्चों के शव भी घर से बरामद हुए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह आई रिपोर्ट में राहत देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार देश में गुरुवार सुबह 54,069 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी दौरान 68,885 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। वही राहत की बात यह है कि नए आंकड़ों के साथ ही कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। इसी के साथ एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब 6,27,057 रह गई है। भीलवाड़ा शहर के एक कपड़ा व्यापारी ने कोटा के एक होटल में सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने घर फोन करके इसकी सूचना दी। खबर पाकर घर वालों ने कोटा पुलिस से संपर्क किया। पुलिस के पास भी उसका पता नहीं था। ऐसे में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए पुलिस नयापुरा, खाई रोड समेत अन्य इलाकों के होटलों को खंगालते हुए करीब एक घंटे में उस तक पहुंची, लेकिन तब तक व्यापारी सुसाइड कर चुका था। नयापुरा थाना पुलिस ने बताया कि भीलवाड़ा वैभव नगर उत्सव वाटिका निवासी प्रकाश चंद पोखरना कपड़ा व्यापारी है। वे भीलवाड़ा से कोटा आए थे। संभवतः उनकी वहां किसी से कोई अनबन हुई होगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि व्यापारी ने सुसाइड क्यों किया। पुलिस ने बताया कि व्यापारी रस्सी और जहर की गोलियां साथ लाया था। प्रदेश के 16 लाख बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार 26 सितंबर को प्रस्तावित रीट 2021 में 7,500 पद बढ़ा सकती है। शिक्षा विभाग से आगामी दो वर्षों में रिक्त होने वाले पदों की सूचना मांगी है। इसमें वर्तमान पद और अगले दो साल में सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद भी शामिल हैं। बता दें कि रीट कई बार स्थगित होने के कारण रिक्त पदों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में बेरोजगार पदों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उधर वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष ही शेष हैं। ऐसे में बेरोजगारों को बड़ी सौगात की उम्मीद है। वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 43,000 पद खाली हैं। पिछले साल सरकार ने रीट से 31,000 पद भरने की घोषणा की थी। एक साल में रिक्त पद बढ़े हैं। ऐसे में 7,000 पद बढ़ाकर 38,000 किए जा सकते हैं। पाली जिले की सोजत सिटी थाना पुलिस ने 75 लाख रुपए कीमत के बिटकॉइन लूट के दर्ज मामले में पुलिस ने एक आरोपी दीपेश जांगिड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पाली के राजेंद्र नगर निवासी नरपत मेवाड़ा ने रिपोर्ट दी कि वह अपने दोस्त नारलाई गांव निवासी 23 वर्ष के दीपेश के साथ कार से पाली की तरफ आ रहा था। इस दौरान बागावास के निकट दीपेश को उल्टी की शिकायत होने पर उसने कार रोकी। इस दौरान तीन युवक चाकू व पिस्टल की नोक पर कार में घुसे तथा अपहरण कर सुमेरपुर और फिर
सिरोही की तरफ उन्हें ले गए और बंधक बना लिया। बीच रास्ते लुटेरों ने उनके मोबाइल के जरिए उनके अकाउंट में पड़े 75 लाख रुपए कीमत के बिटकॉइन अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए तथा उसकी एक महंगी रोलेक्सो व एक अन्य घड़ी तथा हाथ में पहना सोने का कड़ा भी लुटेरे ले गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपेश जांगिड ने बताया कि शेयर मार्केट में लॉकडाउन के दौरान उसे तथा उसके एक रिश्तेदार को 25-25 लाख रुपए का घाटा हो गया, जिसे पूरा करने के लिए ही उसने नरपत मेवाड़ा का अपहरण कर उसे लूटने की साजिश रची। पुलिस बाकी 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा जिले के किशोरपुरा थाना क्षेत्र में किशोरपुरा नहर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के हाथ पर स्टार, ओम और KGN गुदा हुआ है। पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना पुलिस ने असली आभूषण बताकर नकली आभूषण देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए घुंघरू गैंग के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से नकली जेवरात बरामद किए गए हैं। एक आरोपी के कब्जे से एक नकली सोने का हार, 2 जोड़ी नकली चांदी की पैजेब, 1 सोने की चेन, 3 कांच कटर, 1 मोबाइल, 5 सिम और लग्जरी कार बरामद की है। आरोपियों की पहचान राजू राठौर और वीरू उर्फ विजय गुजराती के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पंजाब के जलंधर की रामा मंडी में रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है। यहां रहने वाली एक महिला की नग्न वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करने को लेकर पैसे ना देने पर नग्न वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नग्न वीडियो बनाने ने मामले में रामा मंडी की रहने वाली कुसुम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उसका देवर, भाभी और चाची भी इस साजिश में शामिल थे। साजिश के तहत पीड़िता की नग्न वीडियो बनाएगी, फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर जबरन नग्न करके वीडियो कॉल करने के बाद गहने और लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।